दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी का सबसे लोकप्रिय शो है। इस शो का हर एक कलाकार अपने आप में ही खास और एक अलग पहचान रखता है। शो से जुड़े हर एक्टर की मेहनत की वजह से ही ये शो आज भी टीआरपी बटोर पाने में नंबर वन पोजीशन पर है। जेठालाल की बबीता जी के लिए मोहब्बत हो या फिर मेहता साहब और चंपकलाल गड़ा यानी बाबूजी की समझदारी, शो का हर एक एपिसोड दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने में हमेशा सक्सेसफुल रहता है। इस शो में एक ऐसा हैरान और परेशान शख्स भी है जो हमेशा ही अपनी शादी को लेकर परेशान रहता है, और वो है पत्रकार पोपटलाल। पोपटलाल भी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय कैरेक्टर है। शो में हमेशा अपनी जीवन साथी की तलाश में रहे पत्रकार पोपटलाल असल जिंदगी में शादीशुदा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। पोपटलाल का किरदार निभाने वाले इस एक्टर का असली नाम है श्याम पाठक। श्याम पाठक का जन्म गुजरात के एक बेहद ही मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। श्याम पाठक ने अपनी शिक्षा गुजरात से ही पूरी की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। यहीं श्याम की मुलाकात रेशमी से हुई, जो आगे चलकर श्याम की लाइफ पार्टनर बनी। टीवी स्क्रीन पर भारत का सबसे लंबा चलने वाला शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही है, जिसके आज भी करोड़ों फैंस हैं। श्याम पाठक की पत्नी रेशमी पाठक भी एक थिएटर आर्टिस्ट रह चुकी हैं, और उन्हें भी एक्टिंग का हमेशा से शौक रहा है। लेकिन फिलहाल वो एक हाउसवाइफ हैं और अपने घर गृहस्थी को संभालती हैं। इसके अलावा अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखने में उनका सारा समय बीत जाता है। श्याम का कहना है कि शो में भले ही वो एक खूबसूरत लड़की के साथ घर बसाना चाहते हों, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो शादीशुदा हैं और शो में अपनी रियल लाइफ से बिल्कुल अलग है। श्याम पाठक का कहना है कि शो में उनका कैरेक्टर भले ही जैसा भी हो, लेकिन असल जिंदगी में वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। श्याम पाठक की पत्नी का नाम रेशमी है और वो दिखने में बेहद ही खूबसूरत दिखती हैं। यहाँ तक कि श्याम पाठक के 3 बच्चे भी हैं। उनकी बेटी का नाम नित्या और बड़े बेटे का नाम पार्थ है, जबकि उनके छोटे बेटे का नाम शिवम है। श्याम पाठक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अक्सर अपनी बीवी के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। इन तस्वीरों को देखकर ये साफ पता चलता है कि श्याम पाठक यानी कि पोपटलाल अपनी रियल लाइफ में पत्नी से कितना प्यार करते हैं, और करें भी क्यों ना, उनकी पत्नी है ही इतनी खूबसूरत। श्याम की पत्नी दिखने में बिल्कुल सीधी सादी सी लगती है, लेकिन उनकी सादगी में ही उनकी खूबसूरती साफ दिखाई देती है। इसके अलावा आपको बता दें कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में पोपटलाल को एक बहुत ही कंजूस आदमी की तरह दिखाया गया है, लेकिन असल जिंदगी में वो करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। उनके पास करीब 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। वो करीब 50 लाख रुपए की लग्जूरियस मर्सिडीज कार का इस्तेमाल करते हैं। श्याम पाठक हर एक एपिसोड के लिए करीब 60,000 रुपए फीस लेते हैं, और अब इस हिसाब से आप समझ ही सकते हैं कि उनका बैंक बैलेंस कितना होगा। तो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा में पत्रकार पोपटलाल का किरदार निभाने वाले श्याम पाठक की असली पत्नी के बारे में जानकर कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको टीवी की दुनिया से जुड़ी और भी ऐसी ही खबरें जाननी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलूंगी टीवी की दुनिया से जुड़ी और भी ऐसी ही चटपटी खबरों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।